खबर यूपी के जिला सीतापुर की तहसील महोली की है, जहां तहसील प्रशासन ने एक पत्रकार पर केस दर्ज करवा दिया है। दरअसल पत्रकार ने आजाद नगर के कृषक इंटर कॉलेज में क्वारंटाइन किए गए लोगों को प्रशासन द्वारा दिए गए खराब खाद्य सामग्री बांटने की खबर चलाई थी, जिससे नाराज तहसील प्रशासन ने अपने आप को बचाने के लिए पत्रकार पर ही केस दर्ज करा दिया, जिससे आहत पत्रकारों ने जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी से विरोध जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और साथ ही जिलाधिकारी से प्रकाशित की गई खबर को देखने के बाद जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। इस घटना की जानकारी हमें हुई है और महोली के पत्रकार रविंद्र सक्सेना का उत्पीड़न लेखपाल द्वारा FIR दर्ज करा करके प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। निश्चित ही रूप से ये गंभीर मामला है। जिला प्रशासन से इस संबंध में मुलाकात करके जिलाधिकारी को सारे मामले से अवगत करा दिया गया है। खराब खाद्य रविंद्र सक्सेना के मुताबिक खराब खाद्यान्न की खबर उन्होंने चलाई थी, जिसको देखते हुए जो लोग उसमें फंस रहे थे उन्होंने रविंद्र सक्सेना पर व्यक्तिगत हमला करने के उद्देश्य से FIR दर्ज करा करके एक पद का दुरुपयोग भी किया है। जिलाधिकारी महोदय ने शीघ्र उचित कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है। हमें विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदय पत्रकार को न्याय दिलाएंगे। अगर इस संबंध में कोई भी परेशानी पत्रकार को होती है तो संगठन उनके साथ पूर्णतः खड़ा है और लड़ाई लड़ी जाएगी।